This is the very famous Dora Khichdi and the Ram Ruchak. And a Baripada trip would have been incomplete if I wouldn't have tasted this prasad over here. So, Baripada, you were amazing. So, इस वक्त हैं हम बापूपुर जोड़ा की दुकान में and this place is famous for its malpua and aloo sabzi and this is exactly what we are going to try right now. So let's, I'm very excited about it. Let's go and check it out, guys. Wow. This is our breakfast. सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आकाश भाई हमको बोले कि सुबह सुबह चल के ये breakfast कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, out of stock हो जाता है. So हम just ready हुए और हम आ गए breakfast करने के लिए. So क्या है ये बताइए? ये है मालपुआ. अच्छा. और ये है आलू दम. आलू दम. इसको थोड़ा हरी मिर्च और थोड़ा ब्लैक सॉल्ट के साथ उसको मिक्स किया गया है एकदम. तो यहाँ पे पूड़ी हैज बीन रिप्लेस्ड और पूड़ी और कचौड़ी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मालपुआ. पूड़ी कचौड़ी का ऑप्शन है बट अच्छा में जो आता है वो मालपुआ खाने के लिए ही आता है. अच्छा. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग कि मालपुआ के साथ कोई नमकीन या इस तरह का स्पाइसी प्रिपरेशन को ट्राई किया जाए. सो वेरी कॉन्ट्रास्टिंग फ्लेवर्स होंगे मेरे ख्याल से. ये पहले एक बार मालपुआ देख लें किस कैसा टेस्ट है. हल्का मीठा. बहुत हल्का मीठा. पूरा हल्का मीठा है. ये है आलू की सब्जी. काफ़ी रनी ग्रेवी है. वेरी इंटरेस्टिंग डिश. मीठा नमकीन. थोड़ा नमकीन है वो बैलेंस करता है. दोनों का एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग फ्लेवर है. बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट. भारीपदा में हो तो आप ज़रूर आइए यहाँ ट्राई कीजिए. यहाँ का ये स्पेशल कॉम्बिनेशन है मालपुआ और आलू की सब्जी का. तो इसके बाद अब हम कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद हम कचौड़ी चाट ट्राई करने के लिए जाएंगे. एक गुजराती स्टॉल है वहाँ पे ट्राई करेंगे कचौड़ी चाट. ओके. सो नेक्स्ट वी आर हेडिंग टू ट्राई द कचौड़ी सब्जी. Where are we heading next? We are heading to Bhavesh Bhai Kachodi Bhandar. Okay. Jalaram Snacks Bhandar भी से बोलते हैं. इनका कचौड़ी दही और मीठे का जो चटनी होता है वो बहुत फेमस है. ओके. ठीक है. तो आपको मतलब दही कचौड़ी के साथ करी मिलेगा खाने के लिए लेकिन यहाँ पे समोसा कचौड़ी को मिक्स करके उसका चाट बनाया जाता है. ओके. और हम आज वही ट्राई करेंगे. भवेश भाई की दुकान. भवेश भाई की दुकान. भवेश ये भवेश भाई. अच्छा. और इन्हीं का ही दुकान है. सो कचौड़ी फेमस है. ये सेकंड जनरेशन है. ओके. ओके. इनके पापा ने शुरू किया था. ओके. तब जब हम शुरू किए थे तब 3 रुपए से हम शुरू किए थे. मतलब हम खा रहे थे तब प्लेट का. आज वो डिफरेंट 20-30-40 रुपीज का 50 रुपीज का हो गया है. तो ये है भवेश भाई के यहाँ कचौड़ी कचौड़ी चाट. कचौड़ी चाट. सो आई कांट वेट. बहुत हल्का है. हल्का है. स्पाइसेस बिल्कुल नहीं है. स्पाइसेस एकदम नहीं है. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट काफ़ी लाइट है. तो ये यहाँ का
फेवरेट प्लेसेस में से फेवरेट है, फेवरेट प्लेसेस में है। सुबह का नाश्ता, ये शाम को नहीं खुलता है। अच्छा, 12:30 तक ये बंद हो जाएगा, इनका स्टॉकआउट हो जाता है। तो 12:30 तक कुछ भी हो जाए, और संडे को पूरा क्लोज रहता है। अच्छा, हफ्ते में 6 दिन ये रखते हैं, संडे को इनका ऑफिशियल इनका छुट्टी है। और इसका प्रिपरेशन है वो रात को 3 बजे उठ के करते हैं सुबह से। अभी तक जो भी हम ट्राई किए, इट्स नॉट लाइक वेरी हैवी वॉल्यूम नाउ। तो SBI ब्रांच के सामने, मेन ब्रांच के सामने ये दुकान कॉर्नर में, हफ्ते में 6 दिन रहती है ओपन, संडेज को बंद रहती है। अगर आप आ रहे हो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यहाँ के ट्राई कीजिए, वेरी पॉकेट फ्रेंडली, पिंच टू पॉकेट इज लाइक 20-30 rupees ओनली, एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर द डे। तो भाई कहाँ पे अभी हम लोग हैं? हम अभी बड़ बाजार में हैं। अच्छा, यहाँ पे गुड़ का जो लड्डू बनता है, अच्छा, और झूरी सेव जो बोलते हैं, ओके, उसका लड्डू बनता है, बहुत ही फेमस शॉप है। अच्छा, और ये भगवान जगन्नाथ के पास हमारे रथ यात्रा के टाइम ये लगता है। अच्छा, और इसको रथ के ऊपर से फेंका जाता है भक्तों के लिए। अच्छा, यहाँ का यूनिक ट्रेडिशन है, यहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, और यही फैमिली है जो इसको बनाता है, कोई और नहीं। ये पूरी जगन्नाथ मंदिर के बाद सबसे पुराना मंदिर, सबसे पुराना मंदिर है और सबसे पुराना बड़ा रथ यात्रा है, उसको सेकंड श्री क्षेत्र इसीलिए बोलते हैं, द्वितीय श्री क्षेत्र इसीलिए बोलते हैं। दैट्स अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नहीं पता था। पहुँचते हैं, जो हमारे यहाँ 2 दिन का रथ यात्रा होता है। अच्छा, पहले दिन जगन्नाथ बलभद्र जी और सुभद्रा जाते हैं, फिर लास्ट वाले दिन में जगन्नाथ जी जो वहाँ पर रथ को पहुँचता है। अच्छा, तो रथ के ऊपर से ऐसे 500,000 का लड्डू जो रथ खींच रहे होते हैं। अच्छा, तो ऊपर रथ से फेंका जाता है, फेंका जाता प्रसाद वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, ये यूनिक ट्रेडिशन, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए फिर ट्राई करते हैं ये लड्डू। ये है दुकान के ओनर हैं, और बैठ के ट्राई करो। ये क्या चीज के बने होते हैं? बूंदी और गुड़, बूंदी और गुड़, और इसके साथ आपका अजवाइन। अच्छा, और कर्पूर गोल मिर्च है। हाँ, गोल मिर्च जो ब्लैक पेपर है। हाँ, वो मिलता है। अच्छा, बहुत जगह में आपको ये वाला लड्डू मिलेगा, लेकिन वो चाशनी में बना देते हैं, लेकिन ये पूरा हमारे यहाँ का ऑथेंटिक है, ये हमारे गुड़ से ही बनता है। इसमें जीरे का भी एक प्रोमिनेंट फ्लेवर आएगा आपको, गोल मिर्च आ रहा है, अजवाइन का है जी। ये सेव का लड्डू है, दिस इज वेरी यूनिक, मैंने कभी ट्राई नहीं किया पहले। ये चार मगज है, जो तरबूज का जो बीज होता है, सीड्स होता है, उसको डाला गया है। दिस वन इज आउटस्टैंडिंग, प्रोबेबली वेरी यूनिक, एंड इसके साथ जो स्टोरी अटैच्ड है इसकी, दिस मेक्स दिस इवन मोर स्पेशल। सो इफ यू आर कमिंग आउट बारीपता, डू ट्राई दिस। So it's raining cats and dogs, and we managed to get a breakfast inside the car. So this is a unique experience now again. So kya hai bhai ye? Ye mudi hai. Acha. Jo hamare yahan pe traditional food hai, we matlab hum lunch mein bhi, breakfast mein bhi, aur dinner mein bhi, snacks mein bhi mudi achar khate hain. Great. Uske sath aloo ki gravy hai. Acha. Aloo dam jo hai. Right. Aur uske sath ye fried green chilies diya hua hai. Great. Aur uske sath aloo chop hai. Okay. Singhda hai. Haan. Aur ye baigani hai. All of the snacks in one platter. Platter. Huh? Yeah. And with loaded with moody. So this looks power packed. This is quite a wholesome breakfast. Breakfast for the champions. So it's outside. It's raining cats and dogs, and we are inside the car. This is our breakfast. I'm hungry. I'm very hungry. So let's dig into this. Take a bite of that and aloo chop. Okay. So we need to dig in our fingers. Yes, go for it. Yeah. So aloo chop ka ek bite lo aur uska thoda moodi lo aur mirchi lo. Using the baigani. Baigani seems thoda easy. And a little bit of mirchi. This is what how you should eat. Recommended by Rachit Bhai. Top it with onion. Yes. He took a whole chili.
No, it's so fried. I remember eating this the first time I came to Baripada actually. That this is my memory of Baripada food. Wow. Like yes. The hotel ke bahar ek chhota banda tha, like same like he had some moodi, alu chop and onion and gugni. That's like amazing. This is amazing. And since they have fried the the green chili, it is lacking some of its kick. Kick, yeah. But amazing. This is the alu chop. I'll go for the alu chop. You'll go for the alu chop. And this is quite a lot of amount for one person. Yeah. You'll have this breakfast. It's for two people. This is for two person. Okay. एक आदमी के लिए जो है वो enough है. But अगर एक आदमी ये खाएगा तो he sorted for the. Yeah, lunch at least up to lunch तक sorted. लंच तक आराम से जाएगा. इससे भी मतलब full. Yeah. काफी filling होता है. अंदर अपने बारीपदा टूर के लास्ट लेग में हैं, सो वी हाउ आर वी गोइंग टू एंड दिस? हम अभी जाएंगे जो यहाँ का मयूरभंज का फेमस है, अच्छा, दोला खिचड़ी एंड राम रुचक तरकारी, जो ब्लैक मूंग दाल का वड़ा होता है. ओके. और आपको कहीं नहीं मिलेगा ये टेस्ट नहीं, ये राम रुचक ये ऑथेंटिक डिश है. तो हम अभी ये जो सत्यनारायण मंदिर में टेस्ट करने वाले हैं. ग्रेट. तो हम आए हुए हैं सत्यनारायण मंदिर और यहाँ पे हम आगे ट्राई करेंगे यहाँ का वेरी फेमस राम रुचक और दोला खिचड़ी. हम जा रहे हैं यहाँ का देखने प्रोसेस कैसे बनता है राम रुचक. This is a very Baripada thing. Probably you won't find it anywhere else. हम चाहते तो थे जगन्नाथ मंदिर में जाके ट्राई करने का, but unfortunately आज राम रुचक वहाँ अवेलेबल नहीं था या लेट हो गया था हमें थोड़ा तो, एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो हमने सोचा कि क्यों ना चल के यहाँ वाले मंदिर में ट्राई कर ले. सो हियर वी आर चेकिंग आउट हाउ इज़ इट मेड. ये जो ऑर्डर है ये है खिचड़ी. So how is this different from the other khichdi? ऐसा कुछ नहीं है कि बोलने से मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का दला खिचड़ी के नाम से पूरा परिचित है. अच्छा. सदियों से चलता आ रहा है. ओके. सारा का सारा मंदिर में यही भोग प्रसाद चलता है. अच्छा. और रहा इसका प्रिपेरेशन का बात, इसमें काला मूंग होता है. काला मूंग. हाँ, उसको दो खाली करते हैं, उसके बाद उसे हिसाब से चावल और मूँग आधा आधा मिक्स कर लेते हैं. अच्छा. उसके बाद इतना चावल मूंग भरते हो गया. अच्छा. एक बर्तन में. अच्छा. वही नाप हो गया. अच्छा. उसके नाप का दो गुना पानी डालना होता है. अच्छा. फिर जैसा मसाला की तरह सब इलायची और जायत्री जायफल नमक स्वाद के हिसाब से, चीनी स्वाद के हिसाब से, घी जी, शक्कर भी थोड़ा गिरता है. इतना. अच्छा. नहीं कि मीठा जैसा मीठा हो, बिना मीठा नहीं होता. और उसके बाद ढक्कन डाल दिया जाता है. अच्छा. जो इसकी जो महक है मतलब अरोमा इज लाइक हेवनली एक्चुअली. वो हम भी नहीं बता सकते इसका महक कहां से आता है. मैं जैसा यहां बैठा हूं, भगवान जी का कृपा पकड़ लीजिए. सो मैं इसके पास बैठा हूं तो आई कैन यू नो सोक द अरोमा ऑफ दिस. ये एक ऐसा चीज है यहां बनेगा तो आपको आसपास 100-500 मीटर के अंदर सबको पता चल जाएगा कि ये कहीं पर बन रहा है खिचड़ी. ये भी कच्चा मूंग को हम पानी में उबाल लेते हैं. अच्छा. रात 4-6 घंटा रात में डालना पड़ता है. अच्छा. बड़ी को छोड़ना पड़ता है, तेल में तलना पड़ता है. उसके बाद बैंगन और आलू को मिला के सब्जी बनता है, उसमें ये छोड़ा जाता है. अच्छा. बहुत बढ़िया. This is the very famous Dora Khichdi and the Ram Rachak. And a Baripada trip would have been incomplete if I wouldn't have tasted this prasad over here. So Baripada, you were amazing. Absolutely bliss. This is heavenly. So that was an amazing trip. Baripada and Mayurbhanj is absolutely magnanimous. This place is Odisha's truly best kept secret. If you are looking out for a place to explore other than the normal tourist courses, this is one place that you should definitely keep in your bucket list. Thank you so much for taking us around. I absolutely had a great time. My friends had a great time. Thank you so much for taking us around Baripada. I'll link his channel below, Instagram link in the description below. You can check out for some amazing Baripada content on his Instagram page. If you guys like this video, if you guys like this series, don't forget to hit the like button, subscribe button, and to be notified of all such future updates, hit the bell button.
And I'll see you in the next series, which will be coming up soon. Bye-bye.